गढ़वा विधायक से झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मंगलवार को नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन के समीप महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। पाल महासंघ गढ़वा के तत्वावधान में उनकी पुण्यतिथि पर टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित गढ़वा विधायक से झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने दीप जलाकर किया। तत्पश्चात महारानी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण कर माल्यार्पण किया, साथ ही टाउन हॉल परिसर में स्थित नीलांबर पीतांबर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान महारानी अहिल्याबाई की जीवनी पर आधारित पुस्तक का अनावरण भी किया गया। पाल समाज के लोगों ने मंत्री को पगड़ी बांधकर बड़ा माला पहनाकर पुष्पगुच्छ देकर भव्य स्वागत किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने महारानी अहिल्याबाई को शत शत नमन करते हुए कहा कि इस प्रतिमा का अनावरण पूरे समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। उन्होंने पाल महासंघ के पिछले कार्यक्रम में गढ़वा में महारानी अहिल्याबाई की प्रतिमा लगाने का वादा किया था, वो आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि पाल समाज कहीं से भी कमजोर नहीं है, ये समाज अपने हक अधिकार के लिए किसी से समझौता नहीं करता है और ना ही किसी के आगे झुकता है। पाल समाज सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगाने का बहुत बड़ा महत्व है, आने वाली पीढ़ी को उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। ऐसी महान हस्तियों को इतिहास जानना नई पीढ़ी को अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि का काम क्षेत्र में सिर्फ मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ही नहीं बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करना भी कर्तव्य होता है। युवा समाज सेवी राकेश पाल ने प्रतिमा अनावरण के लिए मंत्री श्री ठाकुर को धन्यवाद देते हुए कहा कि महारानी अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज की आन बान और शान है, इनकी जीवनी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। मौके पर जितेंद्र पाल, रमेश पाल, धमेंद्र पाल, श्याम बिहारी पाल, राजकिशोर पाल, सुखबीर पाल, सुधीर पाल आदि ने विचार व्यक्त किए। पाल समाज के लोगों ने गढ़वा में छप्पाल छात्रावास बनवाने सहित कई मांगे रखी, इसे संबंधित मंत्री को मांग पत्र भी सौंपा। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पाल ने किया। मौके पर मुख्य रूप से नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार बी सूत्री, जिला उपाध्यक्ष नितेश सिंह, आशीष अग्रवाल, सुमित पाल, चंदा देवी, बुधन पाल, विवेकानंद पाल, सुरेंद्र पाल, रामनाथ पाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। पाल संघ, पाल महासंघ गढ़वा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम जिसमें महारानी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम आज यहां संपन्न हुआ। आज मैं शत-शत नमन करता हूं महारानी अहिल्याबाई जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि भी है। और ये पिछले साल पाल महासभा का जो यहाँ सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में पदाधिकारियों ने, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ उस कार्यक्रम उपस्थित थे, उन्होंने मांग रखी थी कि एक भी यहाँ पर महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का की प्रतिमा नहीं है। मैंने आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से मैं इस पर विचार करूंगा और आज वो धरातल पर आज आप देखेंगे कि बहुत एक बड़ी प्रतिमा आज महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का स्थापित किया गया है। ये जिम्मेदारी एक जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए कि जो भी हमारे देश की के लिए जो इतिहास में जिन्होंने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखा है उसका स्मृति पटल पर हमेशा बना रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी हमेशा उन्हें स्मरण करे, इसके लिए ही ऐसे कार्य किए जाते हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आत्मिक खुशी हो रही है कि आज मेरे कर कमलों द्वारा ये पुनित कार्य हुआ है। और पाल महासभा की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी इनके समस्याएं हैं उसके निदान के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और पाल समाज को जो आज बहुत तेजी से अपने आप को सुदृढ़ कर रहा है और भी मजबूती प्रदान हो। और तो जरूरत देखिए प्रतिमा सिर्फ किसी सब ये जो भी महापुरुष होते हैं या इस तरह की हमारी वीरांगनाएं होती हैं उनकी वो किसी विशेष जाति या समुदाय की नहीं होती, वो सभी की होती है, सभी पूरे देशवासियों के लिए होती है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत होती है। और आज महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा लगाई गई है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा, लोगों में कौतूहल होगा कि ये कौन है, हमारे छोटे बच्चे जानना चाहेंगे
इनके इनकी जो जीवनी है उसको भी अंकित किया गया है वहाँ। इनकी जीवनी से लोग प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने का काम करेंगे, आत्मसात करने का काम करेंगे। तो एक ऐसे कार्य से पूरे सभी समाज को इसका लाभ मिलता है और हमारा जो लक्ष्य है कि हम सभी लोग एकजुट होकर और आगे बढ़े, अपने गढ़वा अपने झारखंड को आगे करें, इसमें एक मील का पत्थर साबित होता है।